गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1 रिलेटेड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके एनसीईआरटी बुक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1। इसके कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में दिया है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में इसका ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में है ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10। ये की वैल्यू 10 है, ये इज डिनोटेड एज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस डी। स्टूडेंट क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि हम लोगों को क्या करना है, राइट द 4 टर्म ऑफ एपी। उस एपी का हमें 4 टर्म फाइंड करना है जिसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। देयरफॉर a1 इज इक्वल टू a, दैट इज 10। a2 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, देयरफॉर अब ये की वैल्यू कितनी है 10, 2 इंटू क्या हो गया 10, तो कितना मिल जाएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो गया। नाउ फोर्थ टर्म, ये फोर इज इक्वल टू होता है ए प्लस 3d, क्योंकि हमें पता है ए फर्स्ट टर्म के लिए ये, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d होता है, फिर 2 के बाद क्या लगेंगे 3d ऐड करेंगे। देयरफॉर 10 प्लस 3 इंटू 10 दैट इज 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। हेंस टर्म्स आर 10, 20, 30 एंड 40। ये फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी हूज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी सॉल्व सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवेन हियर, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इस सीरीज में सीरीज दिया गया है, सीरीज क्या है देखिए, सेकेंड पार्ट के लिए -5, -1, -3, -7 सो आना, ये सीरीज दी गई है। इस सीरीज का हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता करना। तो फर्स्ट टर्म यानी ये को फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ये से नोट करते हैं, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, ये इज -5। कॉमन डिफरेंस डी नोट करना है, डी की वैल्यू होती है देखिए आप ऐसे लिख सकते हो -1 और माइनस क्या हो जाएगा -5। सेकेंड टर्म से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट टर्म, वी गेट -1 + 5 दैट इज 4, इट इज कॉल्ड डी। यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना मिला 4। तो इस तरह से कोई भी सीरीज दी रहेगी तो आप फर्स्ट टर्म नोट करेंगे और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होगा। देखिए अगर आप 3 - -1 करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा, 7 - 3 करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा। इस तरह से किसी भी कंसेक्यूटिव 2 टर्म का डिफरेंस करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर फोर कंस्ट्रक्शन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। सेकंड पार्ट की जो सीरीज दी गई है वो 2, 5/2, 3, 7/2 सो आने सीरीज दी गई है। इस सीरीज को हमें चेक करना है इट इज एपी आर नॉट। तो सबसे पहले हम लोग इसे चेक करें कि ये एपी है कि नहीं। तो देखिए हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ a2 minus a1 सेकेंड टर्म यानी 5/2 minus 2। अब 5/2 minus 2 जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 मिलेगा। फिर आप फाइंड करेंगे a3 minus a2 3 minus 5/2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा। ये 4 minus a3 7/2 minus 3 is equal to 1/2 since a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3 is equal to 1/2 hence given sequence is AP। ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये क्या है, एपी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें इसमें क्या बताना था, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमने बताया था जो डिफरेंस टर्म का आता है यही क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2 or 0.5। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि इसमें नेक्स्ट थ्री टर्म आपको फाइंड करना है। अब नेक्स्ट थ्री टर्म के लिए देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म आपको मिल चुका है, फोर्थ टर्म। तो हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, ये 5। ये 5 क्या हो जाएगा, ये 4 plus b, क्योंकि हम जानते हैं फिफ्थ टर्म हमें कब मिलता है, जब हम फोर्थ टर्म में डी को ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म हमारा कितना है, 7/2 plus 1/2 is equal to 8/2 is equal to 4। अब आइए a6 की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये 5 plus b, ये 5 कितना आया, 4 plus 1/2, इसे सॉल्व करेंगे 4 to the 8 plus 1 that is 9/2। नेक्स्ट ये सेवन इज इक्वल टू ये 6 plus d। स्टूडेंट्स ये 7 की वैल्यू क्या लिखा हमने, ए 6 plus d, ये 6 की वैल्यू कितनी आई है, 9/2 प्लस क्या करेंगे 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 10/2 दैट इज 5। हेंस नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 4, 9/2 and 5। थैंक यू।